गरीब कचरेवाला बना पिता। सितारापुर गांव के पास एक छोटा सा शहर था, जहां हरिया अपनी पत्नी सुमन के साथ गरीबी में जीवन बिता रहा था। दरअसल उस पर ना रहने की जगह थी, न खाने पीने का कोई साधन। वो तो बस पति पत्नी कचरा बीन कर अपना गुजारा करते थे, और एक बदबूदार नाले के पास जहां कचरा पड़ा रहता था, उसी तरफ एक पाइप के अंदर रहते थे। शादी के कुछ वर्षों से उन पर संतान भी नहीं थी, जिसके लिए वो दोनों ही हताश थे। सुबह होती है, दोनों पति पत्नी कचरे का बोरा हाथ में लिए अलग अलग दिशा में जाकर आसपास से कचरा उठाने लगते हैं। अरे यहाँ तो ढेर सारा कचरा पड़ा है, प्लास्टिक और रद्दी को अलग अलग करके इसी में रख लेती हूँ। तभी एक बच्चा गाड़ी से बाहर हाथ निकाल कर कचरा फेंक देता है और सुमन उसे उठा लेती है। पता नहीं कैसे लोग हैं, बीच सड़क पर इतना सारा कचरा यूं ही छोड़ देते हैं। खैर, इसी से ही तो हमारा पेट पलता है। वहीं दूसरी ओर हरिया दूसरों के घर जा जाकर कचरा इकट्ठा करता है। फिर प्रीति नाम की लड़की के घर का दरवाजा बजाकर वो कहता है, मेम साहब कचरा दे दीजिए। अरे आई आई, अभी आई। ये लो भैया कचरा, कल क्यों नहीं आए थे? देखना आज ज्यादा ही इकट्ठा हो गया है। अरे आया था, आपने आवाज नहीं सुनी होगी। ठीक है मेम साहब, अब मैं चलता हूँ। वहाँ से कूड़ा लेकर हरिया और भी जगह से कूड़ा इकट्ठा कर कचरे वाले को दे देता है, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। फिर घर वापस लौटता है तो सुमन कहती है, अजी आप आ गए हैं, ये लीजिए पानी पीजिए, खाना बना दिया है, खाना भी खा लीजिए। ठीक है, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। तभी दोनों पति पत्नी एक साथ खाना खाकर सो जाते हैं। फिर से अगले दिन दोनों कचरा बीनने जाते हैं। शाम को जब हरिया घर वापस लौटता है तो उसे नाले के पास जहाँ कचरे का ढेर पड़ा था, वहाँ एक छोटी सी बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। उसकी आवाज सुन हरिया कहता है, अरे इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया? क्या करूं, इसे यहाँ अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता, अपने साथ ले चलता हूँ। वैसे भी मेरे पास संतान तो है नहीं, और जिसकी ये बच्ची थी वो इसे पालना नहीं चाहते, क्यों ना मैं ही इसे अपने साथ ले जाऊं। हाँ ये ठीक रहेगा। ऐसा कहकर हरिया जब उस बच्ची को गोद में लेता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अरे अरे बेटा, अरे बेटा चुप हो जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बस बस रोते नहीं है, लगता है बहुत भूख लगी है इसे, जल्दी से घर ले जाता हूँ और सुमन को बताता हूँ। तभी गरीब कचरे वाला हरिया उस छोटी सी बच्ची को अपने घर ले जाता है, जहाँ सुमन उस बच्ची को देखकर बहुत हैरान होती है। फिर हरिया उसे सब कुछ बताता है तो सुमन कहती है, हरिया जी इतनी छोटी सी बच्ची को भला कचरे के ढेर पर कौन रख कर जा सकता है? इतनी प्यारी बच्ची को देखकर उसके माता पिता का दिल नहीं पसीजा? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, देखो तो बच्ची कितनी प्यारी है, मोतियों जैसी आंखें, चांद सा चेहरा, इसे बहुत भूख लग रही है, तुम इसे खाना खिला दो। भगवान ने यह सुनहरा मौका हमें दिया है, हमारी झोली में एक भी बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें इतनी प्यारी सी लक्ष्मी दे दी। हम माता पिता बन गए सुमन, हम माता पिता बन गए। हाँ हरिया जी, लेकिन घर में दूध तो खत्म हो गया। ये लो ये कुछ पैसे हैं, इससे मेरी बेटी के लिए दूध ले आओ। जी। ये कहते ही सुमन अपनी बच्ची के लिए दूध ले आती है, फिर उसको पिलाती है, जिसके बाद बच्ची खुश होकर उन दोनों के साथ खेलने लगती है। और हरिया कहता है, अरे आजा बेटी आजा, अरे अपने बाबा के पास आजा। अरे सुमन, हमने तो इसका कोई नाम ही नहीं रखा। अजी आप ठीक कहते हैं, क्या नाम रखे इसका हम, बताओ। हाँ ये हमारे जीवन में खुशियाँ ले आई है, इसलिए इसका नाम हम खुशी रखेंगे। अरे बाबा, मेरी बेटी का नाम खुशी, ये तो बहुत अच्छा है सुमन। लेकिन हम तो खुद एक दिन दो दिन भूखे रहते हैं, फिर हमें खाना नसीब होता है, इस कचरे के काम में ज्यादा कमाई कहाँ है, आखिर हम कैसे पालेंगे अपनी बेटी को? अरे सारी चिंता छोड़ दो सुमन, भगवान ने हमें इतना प्यारा तोहफा दिया है, देखना
वो हमारा साथ जरूर देंगे। हमारी बेटी की परवरिश हम बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसा कहकर दोनों खुशी के साथ खेलने लगते हैं। एक साल बीत जाता है, अब वो घुटनी चलने लगती है। हरिया तो उसे अपने कंधों पर घुमाया करता था, वो खुशी से बहुत प्यार करता था। वक्त गुजरता है, इस तरह खुशी 8 साल की हो जाती है। दोनों पति पत्नी कचरा बीन बीन कर खुशी को इतना बड़ा करके पढ़ाते लिखाते हैं। तभी एक दिन खुशी स्कूल से रोती हुई आकर कहती है, माँ माँ देखो ना माँ, मेरे हाथ में चोट लग गई माँ। उस शीतल की बच्ची ने जानबूझकर लड़ाई की और मुझे धक्का मार दिया। हाय रब्बा, उसकी ये हिम्मत कि मेरी बच्ची को हाथ लगाया। कल ही मैं उसकी मम्मी से बात करूंगी। अरे जाने दो, हमें किसी से कुछ नहीं बोलना। खुशी बेटा इधर आ, मैं तेरे हल्दी लगा देता हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी हरिया अपनी बेटी के जख्म पर सरसों के तेल में मिली हुई हल्दी लगा देता है और कहता है, अपनी बेटी की आंखों में एक कतरा नहीं देख सकता मैं, चिंता मत कर खुशी, तू ठीक हो जाएगी जल्दी। जी बाबा। अगले दिन छुट्टी के समय सुमन अपनी बेटी के स्कूल जाकर शीतल की शिकायत करती है, तो उसकी माँ उसे कहती है, अरे देख दो कचरे वाली को, अब ये हमें बताएगी कि क्या सही और क्या गलत। अपनी बेटी को दूर रखा कर हमसे, बदबू आती है उससे। शर्म नहीं आती? बच्चों के सामने आप ऐसी बातें करती है? बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, गलत बात उसके मन में मत डालिए। और हाँ, मेरी बेटी एक दिन बड़े होकर बहुत अच्छी अफसर बनेगी और आप ताड़ती रह जाएंगी। सजा लो सपने। ऐसा कहकर सुमन अपनी बेटी को घर ले आती है। घर के हालात ठीक नहीं होते, फिर भी दोनों अपनी बेटी की हर जरूरत पूरा करने के लिए सुबह से रात तक कचरा बीनते हैं, वो भी बिना कुछ खाए पिए। एक दिन खुशी कहती है, बाबा मुझे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, थोड़ी सी पैसे चाहिए बाबा, 4 कलर लेकर आना है बाबा। बेटा पैसे तो है नहीं, घर में राशन नहीं था तो कल ही राशन ले आया, पर तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी को जो चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, मैं अभी आता हूँ। बाबा मैं जानती हूँ आप फिर से कचरा बीनने जाएंगे दूर दूर तक, और आप बिल्कुल ठीक भी नहीं है, कमजोर हो गए हैं बाबा आप, रहने दीजिए, मुझे प्रोजेक्ट नहीं बनाना। ऐसे कैसे नहीं बनाना, मैं हूँ ना, ये देख गुल्लक, इस गुल्लक में पैसे बचा बचा कर रखे थे, तो ये ले ले जितने तेरे प्रोजेक्ट में लगेंगे। तभी खुशी अपनी माँ के गले लग कर कहती है, माँ आप बहुत अच्छी हो, जब भी मुझे किसी चीज की कमी पड़ती है तो आप उसे लाने में बहुत मेहनत करते हो, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी पापा हो, और तू भी दुनिया की सबसे अच्छी प्यारी बेटी है। तभी सुमन के दिए पैसों से खुशी अपना स्कूल का प्रोजेक्ट बना लेती है जिसमें वो फर्स्ट आती है। ये ट्रॉफी देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। वक्त गुजरता है, सुमन और हरिया अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देते, और एक दिन वो जिला की बहुत बड़ी कलेक्टर बन जाती है, जहां वो सरकारी गाड़ी में बैठकर उस कचरे के ढेर वाली जगह पर साड़ी पहने हुए आती है और कहती है, आपकी मेहनत रंग लाई, देखिए ना बाबा मैं सरकारी अफसर बन गई, अब मैं ऐसी ही गाड़ी में आया करूंगी, और अब आपको इस कचरे वाली जगह पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बड़ा सा बंगला मिल गया है बाबा। देखा हरिया जी, आपकी बेटी कितनी होनहार निकली, आपका विश्वास था कि ये एक दिन पढ़ लिख कर जरूर कामयाब होगी, और ऐसा ही इसने किया। तुम सही कहती हो सुमन, आजा मेरी बच्ची। तभी सब लोग खुशी को बड़ी सी गाड़ी में देख कर इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ शीतल की माँ सविता और शीतल थी। अरे देखो कौन आया है, सविता और उसकी बेटी, क्या बोल रही थी तुम? हम कचरे वाली हैं और मेरी बेटी का कोई भविष्य नहीं है, देखो आज जिले की अफसर बन गई है, तुम्हारी बेटी भी बनी होगी कुछ? नहीं बनी क्या? कोई बात नहीं माँ, हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुशी मुझे माफ कर दो, मेरी मम्मी और मैंने तुम्हारे साथ उस समय बहुत गलत बर्ताव किया था, इसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ, तुम इस जिले की अफसर हो, एक विनती करती हूँ तुमसे, हमारे घर की लाइट 2 हफ्ते से काट दी है सरकार ने,
इतनी अर्जियां दे रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। क्या तुम ये काम करवा दोगी? जो पहले हुआ उसे भूल जाओ, और तुम्हारा जो काम है उसके लिए तुम्हें मेरे ऑफिस में आना होगा, मैं करवा दूंगी। माँ बाबा, हम अपने नए घर में चलते हैं। इस तरह खुशी अपने माता पिता को अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर बड़े से बंगले में ले जाती है, जहाँ वो बहुत ठाट बाट से रहते हैं। साथ ही कचरे में उसे मिलने की बात उसके माँ बाप बता देते हैं, जिससे खुशी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हरिया और सुमन को ही अपने असली माता पिता समझकर उनका बहुत ख्याल रखती है और लोगों के लिए हितकारी काम करती है। सोफे पर बैठी सुधा देवी अपनी बहू पर चीख चिल्ला रही थी। अरे ओ मेरी काम काजी बहू, आज की तारीख में मुझे चाय मिलेगी, अब एक घूट चाय के लिए भी तरस आएगी। बस लाई माँ जी। कुमकुम जल्दी से अपनी सास को चाय परोसती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे ओ नजर बट्टू, कितनी बार कहा है ना तुझसे कि अपना काला थोबड़ा लेकर मेरे सामने मत आया कर। जब से ब्याह कर आई है मेरे घर में अंधेरा छा गया है, मेरे घर के तो भाग्य ही फूट गए जो मेरा बेटा तुझ जैसी बांझ के पीछे लट्टू होकर तुझसे शादी कर ली। वरना मेरा बस चलता तो मैं तुझ जैसी नजर बट्टू निखट्टू को अपनी बहू कभी नहीं बनने देती। अपनी सास के मुंह से बांझ होने का ताना सुनकर कुमकुम मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसका तो बस यही मन कर रहा था कि वह जमीन में गड़ जाए, क्योंकि एक औरत के लिए बांझ होने की खामी सबसे बड़ी होती है। शोरगुल सुनकर ससुर हॉल से बाहर आता है। अरे ये कैसी खटपट है, क्या बात है कुमकुम बहू, तू क्यों रो रही है? हाँ हाँ, अब झूठ मूठ के मोटे मोटे टिस्सुए तो बहाएगी ही ये बांझन। बस करो सुधा, एक औरत होकर जहाँ तुम्हें बहू का दुख बांटना चाहिए, मगर तुम तो रात दिन बांझ बांझ बोलकर बेचारी बहू का दुख बढ़ाती हो। ससुर जी, इसमें माँ जी का कोई दोष नहीं, मेरे बांझपन का दीमक इस घर की खुशियाँ खाए बैठा है। अरे बंद करिए नाटक बाजी नजर बट्टू कहीं की, कोई जरूरत नहीं है मेरे आगे ज्यादा सती सावित्री का ढोंग दिखाने की, बांझन कहीं की। सुधा गुस्से से पैर धमकती हुई कमरे में चली जाती है, जहां कुमकुम के ससुर देवानंद एक नेक दिल इंसान थे, वहीं सुधा कुमकुम के प्रति स्वभाव से बहुत सख्त थी, जिसका शुरुआती कारण कुमकुम का काला रंग था जो उसे हमेशा खटकता था, और वह रंजिशें बीतते सालों के साथ और गहरी होती चली गईं, जिसका कारण शादी के 5 सालों बाद भी कुमकुम के कोख का सूखापन था। एक दिन सुधा की पड़ोसन नंदा उसके पास आती है। अरे ये ले सुधा मिठाई का, मेरे घर पोता हुआ है, मगर तेरा मुंह क्यों उतरा है? अरे अब सभी के घर बच्चे की बधाइयां बज रही हैं, बस एक मेरा ही घर आंगन सूना पड़ा है। अरे तो क्या ढो रही है इस बांझ को अपने घर में, हर्ष की जवानी में घुन थोड़ी लगी है, उसकी दूसरी शादी करके ले आ, जब सौतन आकर सीने पर मूंग दलेगी तो खुद भाग जाएगी ये। अच्छा चलती हूँ। सुधा के मन की सुलगी आग अभी ठंडी भी ना हुई थी कि नंदा की नारदगिरी ने उस आग को लावे में बदल दिया, और फिर नहीं माँ जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे ये सब बर्दाश्त है मगर सौतन की सोहबत नहीं। माँ जी मेरे जीवन में सौतन का जहर मत घोलिए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लाचार बहू के लाख रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी सुधा का पत्थर दिल नहीं पिघलता, और वह कुमकुम को दूर झटक कर बोलती है। अरे बर्दाश्त तो तुझे मैं कर रही हूँ बांझन, तूने मेरे हर्ष के हंसते खेलते जिंदगी को जहन्नुम बना कर रख दिया। तुझे हर्ष को शादी के लिए तैयार करना होगा, वरना मैं पंखे पर झूल जाऊंगी। अपनी सास के मुंह से जान देने की धमकी सुनकर कुमकुम का कलेजा मुंह को आ जाता है। हे भगवान, ये तूने मुझे कहां ला पहुंचाया, अब मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति की दूसरी शादी करनी होगी। उस रात जब हर्ष घर आता है तो कुमकुम उसके सामने दूसरी शादी का जिक्र छेड़ती है। होश में तो हो तुम कुमकुम, तुम्हारी सिवा मैं किसी और का होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हर्ष, मैं माँ जी से उनकी खुशी का हक कैसे छीन लूं, मैं तो माँ नहीं बन सकती मगर तुम तो बाप बन सकते हो। अरे नहीं चाहिए मुझे बच्चा, और तुमने ये सोचा है कि अपने पति को किसी और औरत से बांटकर तुम पर क्या बीतेगी? इस घर पर छाया अंधेर मिटाने के लिए मैं अपनी खुशी न्योछावर करके ये आंसू पी लूंगी। इस तरह हर्ष की शादी सुधा की ढूंढी हुई शिखा नाम की एक अमीर घमंडी लड़की से हो जाती है। देख ले हर्ष, तेरी माँ तेरे लिए हूर की परी जैसी बहू लाई है, इस कोयले को चुनकर तो तुझे ठेंगा मिला, अब तू शिखा बहू ही अपनी सास की आस पर खरी उतरेगी, है ना बहू? एब्सोल्युटली सासू मॉम, कम ऑन हर्ष, चलो। हर्ष को अपनी सौतन के साथ देखकर कुमकुम 100 मौत मरती है। माफ करना हर्ष, मगर मुझे हर हालत में इन हालातों से समझौता करना होगा, तभी इस घर में बच्चे की किलकारी गूंज पाएगी।
अगली सुबह जब कुमकुम चाय नाश्ता लेकर आती है तो शिखा को हर्ष की बाहों में लिपटा हुआ देख उसका दर्द आंखों से छलक जाता है। तभी खटके की आवाज से शिखा की आंख खुल जाती है। हे यू कैपुचिनो, चेहरे के साथ तुम्हारे अकल पर भी कालिक जम गई है, इतना भी नहीं जानती कि न्यूलीवेड कपल के कमरे में बिना नॉक किए नहीं जाते। सॉरी शिखा, वो मैं भूल गई थी कि अब ये कमरा मेरा नहीं रहा। एनीवे ये ट्रे यहाँ रखो एंड जस्ट गेट लॉस्ट। कुछ ही देर में सभी नाश्ते की मेज पर इकट्ठे होते हैं, जहाँ शिखा एक शॉर्ट ड्रेस पहने एट में आकर बैठ जाती है। बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं? शायद तुम भूल रही हो, ये तुम्हारा ससुराल है। अपने ससुर को खुद पर चीखता देखकर शिखा उसे उंगली दिखाकर बोलती है, सुनो ससुर जी, शायद आपको पता नहीं है शिखा क्या चीज है। मैं मूडी फूडी और मनमोहजी हूँ, मेरा एक अपना लाइफस्टाइल है, और रही बात मेरे पहनावे की तो मैं किसी के लिए अपने कपड़ों का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। शिखा को यूं अपनी अमीरी का ऐंठ झाड़ता देखकर सुधा बोलती है, अरे सही तो कह रही है शिखा बहू, अब सब तुम्हारी इस काली कलूटी बॉर्डम बांझ बहू के जैसे थोड़ी 6 मीटर की साड़ी लटकाकर घूमते रहेंगे। ओके सासू मॉम, मैं जरा शॉपिंग पर जा रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जहाँ सुधा शिखा से बच्ची की आस लगाए बैठी थी, वहीं शिखा अपने महंगे शौक पूरे करने में मलंग थी, कभी शॉपिंग तो कभी किटी पार्टी तो कभी क्लब। तभी एक शाम शिखा गुनगुनाते हुए घर आती है, तुले याद मैनु गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके, मन जावे मैनु शॉपिंग करा दे। अरे अरे शिखा बहू, शॉपिंग के पीछे पैसे पानी की तरह बहाना तो कोई तुझसे सीखे, ऐसे पैसे खर्चना सही नहीं। सासू माँ, ये पैसे मेरे हैं, मैं चाहे इसे गंगा में बहाऊं या शॉपिंग पर उड़ाऊं, आपके दिल में दर्द क्यों उठ रहा है? वैसे भी मेरे लिए पैसे सिर्फ हाथों का मैल है। मगर बहू, अगर तू इन्हीं सब में उलझी रहेगी तो कैसे बनूंगी मैं दादी? लगता है तेरे लटको झटको में दम नहीं है, इसलिए तेरे पांव भारी नहीं हुए। देखिए माँ जी, ये आपका दौर नहीं रहा जहाँ हर साल बच्चा पैदा होता था, और कौन सा मेरी उम्र भागी जा रही है। मगर तेरी सास की उम्र की सीमा है बहू, मैं नहीं चाहती कि मेरे अरमान धरे के धरे रह जाएं। शिखा अपनी सास सुधा की बगैर सुने चली जाती है। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। इस बीच सुधा बच्चे की सोब में बीमार रहने लगती है, और कुमकुम दिन का चैन और रातों की नींद गवा कर सुधा की सेवा करती है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, देखना बहुत जल्द इस घर में भी बच्चे की धूम मचेगी। अफसोस कि वो दिन कभी नहीं आएगा, मेरी ब्लैक मैजिक मुंगेरल, क्योंकि अब मैं बार बार बच्चा बच्चा सुनकर बोर हो गई हूँ, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं शिखा, यूं सासू माँ के अरमानों पर पानी फेर कर ना जाओ। जाने दे उसे कुमकुम बहू, अब मुझे बच्चा नहीं सिर्फ तू चाहिए बहू। तू एक अच्छी बहू और बीवी है, तो क्या हुआ जो तू मां नहीं बन पाई? मैंने तुझ पर बहुत जुल्म ढाए हैं, अब और नहीं। आखिर में शिखा वहां से चली जाती है। तभी कुमकुम चक्कर खाकर गिर जाती है। सभी कुमकुम को लेकर भागे भागे अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साहब कैसी है मेरी कुमकुम? बधाई हो सुधा जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। मगर आपने तो कहा था कि मेरी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। कहा था, मगर वो जो आसमान में बैठा है वो डॉक्टर से भी बड़ा है, जो करुणा में अव्वल है। किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये कुमकुम के अंदर छिपी अच्छाइयों का ही फल था, जो शादी के 7 साल बाद उसकी सूखी हुई कोख हरी हो गई, जिसके बाद सुधा ने 9 महीनों तक कुमकुम का खूब ख्याल रखा, और कुमकुम ने एक चांद जैसे बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद फिर कभी कुमकुम का काला रंग सास को ना खटका, और ना कभी उनके बीच खटपट की नौबत आई, क्योंकि उस नन्हे से जान ने सभी को खुशियों की लड़ी में पिरो दिया था। साथ ही कुमकुम के सर से सौतन का साया भी टल चुका था।